नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक अभूतपूर्व गैर राजनीतिक सम्मेलन मुंबई में 15 से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा। ये मंच देश के अलग अलग राज्यों के विधायकों को एक दूसरे से संवाद करने के लिए, सुशासन के मुद्दों पर आपस में सीखने के लिए, लोकतंत्र को ताकतवर बनाने के लिए बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि प्रतिभागियों के लिए 80 से अधिक समानांतर विषयगत सत्र होंगे। लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से आयोजित इन विशेष सत्रों में भाग लेने के लिए कई प्रसिद्ध नेशनल ग्लोबल लीडर्स के साथ साथ विभिन्न दलों के नेताओं लीडर्स को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर कुछ विदेशी प्रतिनिधियों के साथ भी कुछ संवाद सर्वों की योजना बनाई गई है। भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विधायी नेताओं, विधायकों और विधायी कर्मचारियों की कौशल और क्षमता को बढ़ाना इस सम्मेलन का असली मकसद, ताकि उनकी प्रभावशीलता, स्वतंत्रता, कानून बनाने और नीति निर्माण की अखंडता को बढ़ाया जा सके। ये भी एक विषय होगा।
कि हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम सारे पूरे प्रांतों के विधायक आएंगे, वो बातचीत करेंगे, सारे विषयों पर चर्चा करके हम इस बात की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको लगातार निरंतरता के साथ जारी रखने की आवश्यकता है और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। इसमें आपके योगदान की आवश्यकता है, इसीलिए आपको भी आमंत्रित किया गया है। हमारे दूसरी बात इसमें यह है कि जो कोई राजनीतिक या कोई सरकारी स्तर पर नहीं इंग्लिश तो अभी अध्यक्ष जी साहब हम लोग गए मिजोरम और मिजोरम में मिजो और इंग्लिश में बोल रहे थे, उसके बावजूद भी स्पीकर जो थे वो मैंने अपनी बात तो हिंदी में बोली। तो ऐसा भी इसलिए होंगे जहाँ पे हिंदी लोग जानते तो उतनी तो जानते हैं और जो इंग्लिश जहाँ पर चलती है वो लोग भी हिंदी को समझते हैं। मैं सोचता हूँ एक कन्वर्सेशन एक ऐसा होगा राष्ट्रीय पहली बार होगा। मैं उसके लिए राहुल जी को है जाना कर रहा हूँ कि स्कूल को मैं भी जा गया था तो गवर्नमेंट वहाँ पर इसके साथ स्कूल में प्रॉब्लम हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा काम समझता हूँ हो रहा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।